इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास एक वीवो का फ़ोन है तो उसमें आप कैसे जो कि फिंगरप्रिंट लॉक सेट करेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, और वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे इस चैनल इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे जरूर क्लिक करिएगा। तो आपको क्या करना, आपका जो फ़ोन का सेटिंग है, आपको इस तरीके से आपका जो फ़ोन का सेटिंग है, सेटिंग में आना है यहाँ पर से, और सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा सिक्योरिटी का, आप इस तरीके देख सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं डिवाइस सिक्योरिटी में आपको स्क्रीन लॉक होगा, फिंगरप्रिंट होगा, फेस होगा, स्मार्ट लॉक होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर से फिंगरप्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहां पर फिंगरप्रिंट के लॉक क्लिक करते हैं तो यहां देख सकते हैं फिंगरप्रिंट पैटर्न हो गया, फिंगरप्रिंट पिन हो गया, फिंगरप्रिंट पासवर्ड हो गया। तो जब आप भी फिंगरप्रिंट लॉक सेट करते हैं अपने डिवाइस में, अपने फ़ोन में, तो उसके साथ आपको यहाँ से पैटर्न लॉक हो गया या फिर पिन लॉक हो गया या फिर पासवर्ड लॉक हो गया, वो आपको यहाँ पे वो भी प्लस सेट करना होगा, क्योंकि जब आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा तो आप पैटर्न या फिर पिन से पासवर्ड को अपने डिवाइस को अनलॉक कर पाएंगे। तो हम यहाँ से फिंगरप्रिंट प्लस यहाँ पे पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से क्लिक करने के देख सकते हैं यूज़ फिंगरप्रिंट सेट पिन। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पिन एंटर करना है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट प्लस पिन सेट करना चाहते हैं, तो अगर आप फिंगरप्रिंट पैटर्न, तो आप पैटर्न यहां से आपको सेट करना होगा, या फिर पासवर्ड, तो हम यहां पे हमने सेलेक्ट किया है फिंगरप्रिंट प्लस पिन। तो जो भी यहां से हम पिन को सेट करना चाहते हैं वो पिन एंटर करेंगे, उसके बाद यहां पे इस तरीके से टिक करेंगे, और टिक करने के बाद फिर यहां से नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहां पे नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म में जो पिन है वो आप एंटर करेंगे, उसके फिर से आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डन के ऊपर क्लिक करना है, और डन करने के बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सेट योर फिंगरप्रिंट। तो आपको जो फ़ोन का फिंगरप्रिंट है, तो जैसे मेरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो यहाँ पे स्टार यहाँ पे इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे मेरा ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, तो यहाँ पे फ्रंट में डिस्प्ले के ऊपर हमको फिंगरप्रिंट को टच करना है, स्कैन यहाँ पे टच करना है, अगर आपको बैक साइड में होगा तो आप बैक साइड में टच करेंगे। तो चलिए हम इस तरीके से फिंगरप्रिंट यहाँ से आपको यहाँ पर बार बार इस तरीके से आपका जो फ़ोन का फिंगरप्रिंट है इस तरीके से उसको यहाँ पे टच करना है। तो देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे टच करते रहना है इस तरीके से, और उसके बाद हमने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट प्लस पिन लॉक सेट हो चुका है, तो उसके बाद देखेंगे फिंगरप्रिंट लॉक जो सेट हो चुका है, तो उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट टच करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने वीवो फ़ोन में आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जिसमें आपके लॉक को सेट करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।